भारत में सुनो पर चुनो, आपको एक सही बात सही तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना मेरे भाई, लाइक करोगे तभी मैं दुनिया के सामने रख पाऊंगा और हम अपने चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसलिए जो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। आज एक लड़ाई हो गया एक बंदे से, तो कहने लगा अमीर और गरीब में क्या फर्क है। मैं यही कहना चाहता हूं अमीर और गरीब में क्या फर्क है। एक गरीब आदमी के घर में एक पंखा नहीं होता है और एक अमीर घर में पांच पांच एसी लगा होता है। 200 गज के प्लाट में एक आदमी एक अमीर आदमी सोता है और हम लोग 25 गज के प्लाट में कम से कम 20 आदमी सोते हैं। यही अमीर और गरीब में फर्क है। कोई कहता है कि ये अमीर आदमी भी जीता है और गरीब आदमी भी जीते हैं, लेकिन जीने का तरीका भारत में जरूर बताएगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी इतना बुरी तरह से विफल है और परेशान है कि ये आप कभी भी झुग्गी झोपड़ी में आओगे तो आंख से आंसू निकल जाएगा। जिसके अंदर दिल है और वो हिंदुस्तानी है, गारंटी देता हूं मैं, आप लोग कभी भी झुग्गी झोपड़ी में आओ, कैसे कुत्ते जैसे जिंदगी हम लोग जीते हैं और सोने का जगह नहीं होता, बच्चे को पढ़ने का जगह नहीं होता, बच्चे को बैठने का जगह नहीं होता है, उसी जगह में बच्चे पढ़ते हैं, उसी जगह में बच्चे खाना खाते हैं, उसी जगह में लेटरिन बाथरूम है, कैसे जीते हैं उसको दिल से पूछना हो गरीब आदमी से कैसे जीते हैं। गरीब अमीर आदमी आके मजाक उड़ाता है, किसी को 10 रुपए दे दिया तो 20 रुपए दे दिया, लेकिन किसी ने आज तक तरीका नहीं जोड़ा गरीब आदमी और अमीर आदमी को अच्छा खड़ा करने के लिए। न्यूज चैनल में सिर्फ बताते हैं चार आदमी इधर बैठा लेगा, चार आदमी उधर बैठा लेगा, सब ये गरीब आदमी का मजाक उड़ाएंगे, ये गरीब आदमी ऐसे है तो वैसा है। उसकी कभी आज तक किसी ने उसके मसला हाल दूर किया नहीं, किया न करेगा कोई, सिर्फ मजाक गरीब आदमी की मजाक इसी तरह जिंदगी भर उड़ते रहेगा और उड़ते आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गरीब गरीब मत करो, उसको दिल में ठोकर मत दो, उसको परेशान मत करो, उसके शिक्षा के बारे में सोचो, उसके खाने के बारे में सोचो, उसकी रहने का नान बसेरा के बारे में सोचो, ये कैसे जिए और कैसे इंसान, उसका भी दिल है जो अच्छा रहने का अच्छा खाने का। आप लोग 100 रुपए किलो वाला सेब खाते हो, 150 रुपए किलो वाला अनार खाते हो, 200 रुपए किलो वाला अंगूर खाते हो, गरीब आदमी बेचारे को 10 रुपए 30 रुपए 40 रुपए ढूंढते हैं रेडी में जाके, ये सस्ता कौन सा है वही लेकर आते हैं, बच्चों खिलाते हैं। क्या उसमें बच्चे पनकेगा, उसमें बच्चे का बुद्धि बड़ा होगा, उसमें बच्चे का सेहत अच्छा होगा, नहीं होगा। आप लोग को कभी भी न्यूज चैनल में यही देखता हूँ, सिर्फ गरीब को गरीब को गरीब को दिल में ठेस पहुंचाता है। किस बात की गरीब, कोई इंसान नहीं है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गरीब को दुखी करने जानता है, काम करने जानता है, उसका लेटरिन बाथरूम उठाने जानता है। आपको घर में नौकरी कराते हो, आप अच्छा दिल से पैसा नहीं देते हो, जो भाई 10 रुपए फालतू ले जाओ, 200 रुपए फालतू ले जाओ, तेरे बच्चे की शादी है 1000 रुपए फालतू ले जाओ, नहीं दोगे। आप शराब में जुआ में उल्टा चीज हर कदम लाखों रुपए खर्चा कर दोगे, लेकिन गरीब को देने वाला आज भी कोई नहीं है, हमने कल था। हम यही कहते हैं न्यूज चैनल को जरूर देखना मेरा, भारत न्यूज सुनो फिर चुनो, उसमें हकीकत आपको जरूर दिखाई देगा ये दुनिया में क्या क्या हो रहा। एक गरीब लड़की शादी नहीं हो पाता है, उसको मजाक उड़ाते हैं, कहीं नौकरी करने जाती है उसको दुनिया देख के मजाक उड़ाते हैं, वो लड़की जा रही है, किसका लड़की है, फराने का लड़की है। अरे मेरे भाई, काम नहीं करेगी, रास्ते से नहीं जाएगी तो कैसे करेगी, उसका पेट चलेगा। किसी का बाप नहीं होता है, किसी की बहन नहीं होती है, किसी का भाई नहीं होता है। मैं जानता हूं झुग्गी झोपड़ी में रह के क्या जिल्लत जिंदगी जीते हैं, हमको पता है कि झुग्गी झोपड़ी में हम रहते हैं और हमको पता है। भारत न्यूज यहीं पे सबको सलाम करता है। Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram. Like, share and subscribe the channel.